हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिमिट्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ये लिमिट्स के चैप्टर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस इंपॉर्टेंट टॉपिक का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है, वो है लिमिट ऑफ साइन एक्स बाय एक्स व्हेन एक्स टेंस टू जीरो इज इक्वल्स टू वन। ये आपको बाय हार्ट लर्न बाय हार्ट होना चाहिए। और इस फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये सारे एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने के लिए हमको ज़रूरत पड़ेगी। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जो भी एग्जाम्पल्स आएंगे उसको सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा। इस एग्जाम्पल में आपको दो चीज़ देखनी है, क्या है, जो भी एग्जाम्पल्स हम करेंगे इसमें दो चीज़ देखनी है कि पहला जो हमारा लिमिट है वो टेंस टू जीरो होना चाहिए। लिमिट जो भी हमारा एग्जाम्पल आएगा उसमें चेक करना है कि हमारा जो लिमिट है वो टेंस टू जीरो है कि नहीं, पहली बात। दूसरी बात कि जो भी साइन का एंगल है वही डिनोमेटर में है और वही टेंस टू जीरो हो रहा है। तो कोई भी एग्जाम्पल आए तो दो चीज़ चेक करनी है, लिमिट पहले टेंस टू जीरो हो रहा है कि नहीं, पहली बात, और फिर साइन का जो एंगल है वही डिनोमेटर में है और वही टेंस टू जीरो होना चाहिए, ये दो बात। ओके, तो इस वीडियो में हम 7 एग्जांपल्स करने वाले हैं। धीमे धीमे हम इस एग्जांपल का लेवल बढ़ता जाएगा, ये पहला, दूसरा, ये तीसरा। और ये जो मैंने टिक करा है वो क्यों टिक करा है कि ये जो है हमारा अल्टीमेटली फॉर्मूला बनेगा। ये जो हम लिमिट फाइंड करें उसका आंसर फाइंड कर लेंगे और ये हमारा फॉर्मूला होगा जो भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि वो नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम डायरेक्ट इस फॉर्मूला का अप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे दो ऐसे भी एग्जांपल्स मैंने लिए हुए, सो लेट्स स्टार्ट। और आपको कोई भी स्पेसिफिक एग्जांपल इसमें आपको दिख रहा है कि मुझे ये एग्जांपल का आंसर चाहिए, तो मैं आपको टाइम स्टैम्प में आप जाके वो सीधा वो एग्जांपल आप देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला एग्जांपल है एग्जांपल 1, वो क्या है कि लिमिट ऑफ साइन 4x / x एक्स टेंस टू 0, इसका आंसर फाइंड करना है। पहली चीज़ कि लिमिट टेंस टू 0 होना चाहिए, हाँ वो है। साइन का जो एंगल है वही डिनोमिनेटर होना चाहिए, नहीं वो तो नहीं है। तो क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ साइन 4x बाय एक्स इंटू 4/4 एक्स टेंस टू 0। अब 4 को अगर याद ले तो क्या हो जाएगा, देखो, इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ साइन 4x बाय 4x एक्स टेंस टू 0 इंटू 4। देखो तो हमारा जो भी साइन का जो एंगल है वही नीचे आ गया डिनोमिनेटर में, तो आपको बताया कि ये सीधा हमारा फॉर्मूला लग जाएगा। क्या है हमारा फॉर्मूला, के लिमिट ऑफ साइन एक्स बाय एक्स व्हेन एक्स टेंस टू 0 इज इक्वल्स टू 1, जो विच इज इक्वल्स टू 1 इंटू 4 विच इज इक्वल्स टू 4। बट इसमें एक बात मैंने बोली थी, देखो मैं आपको दिखाता हूँ क्या है कि हमारा लिमिट ऑफ साइन का जो एंगल है वही डिनोमीटर में और वही टेंस टू 0 हो रहा है, वही टेंस टू 0 हो रहा है। पर यहाँ पे तो साइन 4x है, नीचे डिनोमीटर में 4x है, पर यहाँ तो x है। तो हम वैसे तो डायरेक्ट ही करेंगे, जब साइन का एंगल और नीचे लिमिट सेम आ जाएगा और लिमिट एक्स टेंस टू 0 है तो सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। बट यहाँ पे हमारा एक्चुअल फॉर्मूला में क्या है कि जो हमारा डिग्री है साइन का वही डिनोमीटर में और वही टेंस टू 0 होना चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे, लेट 4x इज इक्वल्स टू टी। तो अब इससे क्या फ़ायदा होगा, देखो कि हमारा गिवन एग्जाम्पल में एक्स टेंस टू 0 है और टी इज इक्वल्स टू 4x है। एक्स टेंस टू 0 है उसका मतलब एक्स 0 हो जाए तो टी क्या होगा, टी इज इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स 0 हो गया, मतलब टी 0 हो जाएगा। तो व्हेन एक्स टेंस टू 0 इम्प्लाइज टी टेंस टू 0, क्योंकि एक्स टेंस टू 0, अगर एक्स 0 रख दें हम इस सब्स्टिट्यूशन में तो हमारा टी भी 0 हो रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, एक्स टेंस टू 0 इम्प्लाइज टी टेंस टू 0। तो अब क्या होगा, देखो, विच इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ साइन, अब 4x के बजाय मैंने टी माना है तो 4x के बजाय टी आ जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में 4x था तो टी आ जाएगा इंटू 4, और x टेंस टू 0 इम्प्लाइज टी टेंस टू 0, मतलब यहाँ पे आ जाएगा टी टेंस टू 0। तो हमारा जो भी साइन का एंगल है वही नीचे डिनोमिनेटर में और वही टेंस टू 0 हो रहा है। तो ये आप फर्दर प्रोसीजर है, आप जो एग्जांपल में एग्जाम में दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, पर आपको समझा रहा हूँ मैं कि ये भी इंपॉर्टेंट है। टेंस जो हमारा एंगल है वही डिनोमिनेटर में वही टेंस टू 0 भी होना चाहिए, तो 1 × 4 विच इज इक्वल्स टू 4। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 2, वो क्या है कि साइन ए एक्स अपॉन साइन बी एक्स व्हेन लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 0 फाइंड करना है हमारा, इसका क्या आंसर है। देखो हमारा फॉर्मूला क्या है कि साइन ऑफ लिमिट ऑफ साइन एक्स बाय एक्स व्हेन एक्स टेंस टू 0, तो यहाँ पे हमारा लिमिट ऑफ साइन ए एक्स है तो मुझे नीचे भी ए एक्स चाहिए होगा फॉर्मूला लगाने के लिए, और इंटू यहाँ पे साइन बी एक्स है नीचे डिनोमिनेटर में, ऊपर डिनोमिनेटर में मुझे बी एक्स चाहिए होगा, तो हमारा सीधा फॉर्मूला लग जाएगा एक्स टेंस टू 0। बट यहाँ पे तो ना
ए एक्स है ना बी एक्स है, तो हम क्या करेंगे इंटू ए एक्स बाई एक्स इंटू बी एक्स बाई बी एक्स कर, तो ये हमारा ए एक्स यहाँ पर आ जाएगा, बी एक्स अपॉन यहाँ पर है, तो क्या बच गया हमारा, हमारा ए एक्स अपॉन बी एक्स बच गया, क्योंकि मुझे साइन एक्स बाय एक्स लाना है कोई भी हिसाब से, जो भी साइन का एंगल हो वही डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए, तो साइन ए एक्स बाय साइन ए एक्स इंटू बी एक्स बाय साइन बी एक्स इंटू ए एक्स बाय बी एक्स, क्योंकि हमने ये ए एक्स यूज़ कर लिया और ये बी एक्स यूज़ कर लिया, तो हमारा ए एक्स बाय बी एक्स बचा, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है अलग से। अब विच इज़ इक्वल्स टू, अब आपको एक नोट करना है कि हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, कि हमारा जो फॉर्मूला है वो है साइन ऑफ एक्स बाय एक्स लिमिट ऑफ साइन एक्स बाय एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू जीरो इज इक्वल्स टू वन, तो इसका रेसिप्रोकल भी टू है, इसका रेसिप्रोकल भी टू है, क्या है मतलब उसका मीनिंग, कि लिमिट ऑफ एक्स बाय साइन एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू जीरो ये भी वन ही है, तो ये भी आपको याद रखना है कि साइन एक्स बाय एक्स हो या रेसिप्रोकल हो उन दोनों का लिमिट व्हेन एक्स टेंड्स टू जीरो वन ही आएगा। तो इसमें अब हम इंडिविजुअली सब में लिमिट अप्लाई कर देंगे, क्या होगा इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो साइन ए एक्स बाई एक्स इंटू लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो बी एक्स बाई साइन बी एक्स इंटू, अब लिमिट ऑफ ए एक्स बाई बी एक्स और हमारा एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट ऑफ कॉन्स्टेंट, तो उसमें लिमिट अप्लाई नहीं होगा, सीधा ए बाई बी लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे सीधी फॉर्मूला लग गई, तो विच इज इक्वल्स टू वन इंटू वन इंटू ए बाई बी, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा ए बाई बी। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखनी है कि हम यहाँ पे मैंने सब्सटीट्यूशन नहीं किया, आप चाहे तो यहाँ पे सब्सटीट्यूशन कर, क्या सब्सटीट्यूशन करके टी इज इक्वल्स टू ए एक्स एंड कोई और वेरिएबल यू इज इक्वल्स टू बी एक्स, ये आप सब्सटीट्यूट कर देंगे तो आपका साइन का एंगल डिनोमिनेटर और ये भी सारा सेम हो जाएगा, ये करना चाहे तो कर सकते हो, सीधा हम अप्लाई भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन हमारा जो है वो क्या है कि साइन का एंगल और नीचे डिनोमिनेटर वो सेम होना चाहिए। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल थ्री, वो क्या है कि लिमिट ऑफ टेन एक्स, लिमिट ऑफ टेन एक्स बाय एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू जीरो। अब यहाँ पे देखो कि ये मैंने बोला था ये हमारा हम प्रूव करेंगे पर ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा और नेक्स्ट एग्जाम्पल में डायरेक्ट इसका इस्तेमाल करेंगे। अब इसका लिमिट फाइंड करते हैं, अब हमारे फॉर्मूला क्या है कि वो है लिमिट ऑफ साइन एक्स बाय एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू जीरो, उसका हमको पता है, पर यहाँ पे तो टेन एक्स है, पर हमको ये भी पता है कि टेन एक्स क्या है इज साइन एक्स बाय कॉस एक्स, तो यहाँ पे टेन एक्स के बजाय हम लिख देंगे इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स बाय कॉस एक्स इंटू एक्स, तो विच इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ साइन एक्स बाय एक्स एक्स टेंड्स टू जीरो इंटू लिमिट ऑफ वन अपॉन कॉस एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू जीरो। अब ये तो हमारा सीधा फॉर्मूला है, तो हमारा वन इंटू, अब लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू जीरो बाय वन अपॉन कॉस एक्स, कोई भी लिमिट एग्जांपल कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि पहले हम उसमें सीधा एक्स की वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, अगर पुट कर ले तो क्या होगा इंटू वन अपॉन कॉस जीरो, एस के बजाय अगर हम यहाँ पर जीरो रख ले रहा हूँ तो क्या हो रहा है कि कॉस जीरो इज वन विच इज इक्वल्स टू वन इंटू वन अपॉन वन विच इज इक्वल्स टू वन। कोई भी लिमिट का कोई भी नॉर्मल एग्जांपल हो तो पहले क्या चेक करेंगे भाई लिमिट को पुट कर लेंगे, तो लिमिट को पुट करने से हमारा आंसर आ रहा है तो कोई प्रोसीजर की ज़रूरत ही नहीं है, तो हमारा सीधा आंसर आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल वो क्या है कि फाइंड द लिमिट ऑफ टेन एक्स बाई पाई माइनस एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू पाई। देखो हमारा ये फॉर्मूला बन गया, मैंने बोला था ये सीधा अभी इसका ये नेक्स्ट एग्जांपल में सीधा यूज़ हो जाएगा कि लिमिट ऑफ टेन एक्स बाई एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू जीरो इज वन। ओके, पहली बात कि लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई है, जीरो नहीं है, तो पहले तो ये प्रॉब्लम हमको हटानी पड़ेगी। इसके लिए क्या रास्ता है, तो सिंपल रास्ता है, जो भी हमारा एक्स टेंड्स टू हो पहले हम कोई भी वेरिएबल ले लेंगे जो हम सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं और जो भी हमारे यहाँ पे क्वांटिटी वो लिख लेंगे पाई और माइनस एक्स कर देंगे। हमको क्या चाहिए भाई, एक्स टेंड्स टू जीरो चाहिए, ये इसके लिए अपन यहाँ पे तो एक्स टेंड्स टू पाई है, तो इसका ऑप्शन क्या है, इसका मेथड क्या है, क्या करेंगे वेरिएबल ले लेंगे पहले जो सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, हमारा जो भी यहाँ पे हो जीरो के बजाय वो लिख लेंगे माइनस एक्स कर देंगे। अब उससे क्या होगा, देखो कि टी इज इक्वल्स टू पाई माइनस ये हमारा सब्स्टिट्यूशन हमने सपोज किया है, अब एक्स टेंड्स टू पाई है
इम्प्लाइज ये टी इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स। अगर एक्स की जगह है एक्स टेंस टू पाई है, उसका मीनिंग अगर एक्स की जगह मैं पाई लिख दूँ तो पाई माइनस पाई हो जाएगा विच इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स टेंस टू पाई का मीनिंग क्या है, एक्स टेंस टू पाई का मीनिंग क्या है कि टी टेंस टू जीरो। अगर एक्स पाई हो रहा है तो टी जीरो हो रहा है, तो एक्स टेंस टू पाई का मीनिंग क्या है कि टी टेंस टू जीरो। तो हमारा देखो आ गया, हमारा पहला काम हो गया कि यहाँ पर टेंस टू जीरो चाहिए, वो हमारा आ गया। ओके अब यहाँ पे एक और बात, अगर t इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स है तो x क्या होगा हमारा पाई माइनस टी। नाउ लिमिट ऑफ टेन, पहले तो हमारा ऊपर क्या है टेन x है तो x की जगह क्या आ जाएगा हमारा पाई माइनस टी। ओके नीचे पाई माइनस एक्स है तो t इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स तो नीचे t आ जाएगा और t टेंस टू जीरो। ओके अब हमारे फॉर्मूले में क्या है कि टेन ऑफ एक्स बाई एक्स वेन एक्स टेंस टू जीरो इज इक्वल टू वन, पर यहाँ पे तो टेन पाई माइनस टी है। बट वॉट इज टेन पाई माइनस टी, टेन पाई माइनस टी मतलब हमारा ये जीरो पाई बाई टू पाई थ्री पाई बाई टू। तो पाई माइनस टी का मीनिंग सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट हमको पता है कि साइन पॉजिटिव और कॉस नेगेटिव है, तो टेन पाई माइनस टी की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस टेन टी, क्योंकि कॉस नेगेटिव है तो हमारा टेन भी क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो ये लिख लेंगे देयरफॉर लिमिट ऑफ टेन पाई माइनस टी के बजाय माइनस टेन टी अपॉन टी टी टेंस टू जीरो विच इज इक्वल्स टू, माइनस को बाहर लेंगे ले तो लिमिट ऑफ टेन टी बाई टी टी टेंस टू जीरो तो हमारा आ जाएगा माइनस वन, फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगी ऊपर वाली। ठीक है अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर फाइव। वो क्या है कि फाइंड द लिमिट ऑफ वन माइनस कॉस टू एक्स अपॉन वन अपॉन कॉस एक्स वेन एक्स टेंस टू जीरो। अब इसका लिमिट फाइंड करना है, जब भी आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लिमिट फाइंड कर रहे हो और आपको वन माइनस कॉस एक्स या वन माइनस कॉस टू एक्स दिखे तो आपको ये फॉर्मूला का अप्लाई कर देना है। क्या फॉर्मूला है, हमको बताया कि वॉट इज कॉस टू एक्स, कॉस टू एक्स इज टू साइन स्क्वायर, सॉरी कॉस टू एक्स इज नथिंग बट वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, कॉस टू एक्स इज वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। और तो इससे हमारा ये कॉस एक्स क्या हो जाएगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा, क्योंकि टू एक्स का अगर एक्स हो रहा है तो एक्स का तो एक्स बाई टू हो जाएगा। तो अब ये फॉर्मूला का हम सीधा इसमें इस्तेमाल करेंगे, जो कि पहले इस एग्जांपल में टेंस टू जीरो है तो हमारा वो तो टेंशन है ही नहीं। तो इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ, अब वन माइनस कॉस टू एक्स है, कॉस टू एक्स इज वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि टू साइन स्क्वायर एक्स इज वन माइनस कॉस टू एक्स। तो वन माइनस कॉस टू एक्स के बजाय हम क्या लिख देंगे टू साइन स्क्वायर एक्स, और वन माइनस कॉस एक्स की बजाय क्या लिख देंगे टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू वेयर एक्स टेंस टू जीरो। जब भी आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लिमिट फाइंड कर रहे हैं और वन माइनस कॉस एक्स या वन माइनस कॉस टू एक्स देख रहे हैं तो आप सीधा ये फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। ओके ये टू टू कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो। अब मैं सबको स्प्लिट करूँ, साइन स्क्वायर एक्स मतलब क्या होगा साइन एक्स इंटू साइन एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स बाई टू उसको मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स बाई टू इंटू साइन एक्स बाई टू। अब मुझे फॉर्मूला बनाना है लिमिट ऑफ साइन एक्स बाई एक्स, तो बना लेते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है कि साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स। अब मैंने दो एक्स यहाँ पे लाए हैं तो उसे कैंसिल आउट करने के लिए ऊपर दो एक्स चाहिए होगा और नीचे आ जाएगा साइन एक्स बाई टू इंटू साइन एक्स बाई टू, बराबर। अब ये तो हमारे फॉर्मूला बन गई, पर यहाँ पे एक्स बाई टू है, जो भी साइन का एंगल हो वही हमारे डिनोमेटर या न्यूमरेटर में होना चाहिए। अब यहाँ पे एक्स बाई टू है, यहाँ पे एक्स है, तो क्या करेंगे विच इज इक्वल्स लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स इंटू साइन एक्स बाई एक्स इंटू। अब x बाई टू चाहिए तो क्या करेंगे कि x इंटू एक्स बाई टू कर देंगे और ऊपर 2 इंटू टू कर देंगे अपॉन साइन एक्स बाई टू इंटू साइन एक्स बाई टू, सेट हो गया। मुझे यहाँ पे x बाई टू तो ऊपर भी x बाई टू चाहिए होगा, तो मैंने x बाई टू कर दिया। अब दो 2 मैंने डिनोमेटर में लाए तो दो 2 कैंसिल आउट करने के लिए डिनोमेटर ने ले लिया। देखो अब इससे क्या होगा, हमारा पूरा सेट हो गया, ये 2 इंटू टू को बाहर ले लेना, मतलब 4 इंटू लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो
साइन एक्स बाई एक्स आ गया हमारा इंटू साइन एक्स बाई एक्स आ गया इंटू एक्स बाई टू बाई साइन एक्स बाई टू आ गया इंटू एक्स बाई टू बाई साइन एक्स बाई टू हमारा आ गया। तो अब शायद सब में फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा और सब वन हो जाएगा लिमिट ऑफ, ये हमको पता है ये वन है, ये भी वन है, ये भी वन है और ये भी वन है, विच इज इक्वल्स टू फोर इंटू वन विच इज इक्वल्स टू फोर, जो हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल सिक्स। वो क्या है कि फाइंड द लिमिट ऑफ वन अपॉन कॉस एक्स अपॉन एक्स वेस एक्स टेंस टू जीरो, ये भी हमारा फॉर्मूला है, याद रखेंगे इसका जो भी सॉल्यूशन होगा हम इसको याद रखेंगे। वन माइनस कॉस एक्स बाई एक्स वैन एक्स टेंस टू जीरो, मैंने बताया कि जब भी वन अपॉन वन माइनस कॉस एक्स देखो या वन माइनस कॉस एक्स देखो उसको चेंज कर लो, तो हो जाएगा इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ वन माइनस कॉस एक्स क्या हो जाएगा टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन एक्स वैन एक्स टेंस टू जीरो। अब टू बाहर ले लेता हूँ मैं, तो टू इंटू लिमिट ऑफ साइन एक्स बाई टू इंटू साइन एक्स बाई टू अपॉन एक्स वेर एक्स टेंस टू जीरो। अब साइन एक्स बाई टू है तो मुझे नीचे भी एक्स बाई टू चाहिए होगा, तो नीचे एक्स बाई टू इंटू टू कर लेता हूँ, ठीक। अब ये टू टू कैंसिल हो गया हमारा, तो क्या होगा लिमिट ऑफ एक्स बाई लिमिट ऑफ साइन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई एक्स बाई टू इंटू साइन एक्स बाई टू वेर एक्स टेंस टू जीरो। ये हम साइन लिमिट को इंडिविजुअल अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा विच इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ साइन एक्स बाई टू बाई एक्स बाई टू वेर एक्स टेंस टू जीरो इंटू लिमिट ऑफ साइन एक्स बाई टू। अब इसका आंसर क्या है हमारा वन है, फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा इंटू अब लिमिट ऑफ एक्स साइन एक्स बाई टू और नीचे कुछ भी नहीं है तो हम ला भी सकते हैं पर लाना की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधा एक्स टेंस टू जीरो अप्लाई करेंगे तो क्या होगा तो साइन ज़ीरो बाई टू और हमको पता है साइन ज़ीरो क्या है वो है ज़ीरो, तो वन इंटू ज़ीरो विच इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। ओके फ्रेंड्स, ना फ्रेंड्स हम इस वीडियो का लास्ट एग्जांपल कर लेते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। क्या है कि लिमिट ऑफ वन माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स वेयर एक्स टेंस टू पाई बाई टू। पहला तो हमारे यही प्रॉब्लम है कि एक्स टेंस टू पाई बाई टू है, हमको तो टेंस टू ज़ीरो चाहिए कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एग्जांपल करने से पहले। तो मैंने आपको इसके ऊपर भी एग्जांपल में मेथड बताया था, वही सेम मेथड अप्लाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं कि कोई एक वेरिएबल ले लेते हैं टी विच इज़ इक्वल्स टू, अब यहाँ पे जो क्वांटिटी हो वो यहाँ पे लिख दो माइनस हमारा एक्स कर दो, तो ये आपका सब्सटीट्यूशन तैयार हो गया। ये सब्सटीट्यूशन यूज़ करेंगे तो आपको टेंस टू ज़ीरो मिल जाएगा ना। अगर टी इज़ इक्वल्स टू पाई बाई टू माइनस एक्स है तो एक्स क्या होगा विच इम्प्लाइज एक्स इज़ इक्वल्स टू पाई बाई टू माइनस टी हो जाएगा ना। अब आपको पता है कि एक्स टेंस टू पाई बाई टू है और टी इज़ इक्वल्स टू पाई बाई टू माइनस एक्स है, अगर एक्स पाई बाई टू हो जाए तो टी क्या होगा पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू विच इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इसका मीनिंग क्या होगा कि एक्स टेंस टू पाई बाई टू इम्प्लाइज टी टेंस टू ज़ीरो। तो हम ये सब कुछ अब इस एग्जांपल में पुट कर लेते हैं तो क्या होगा हमारा इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ वन माइनस साइन एक्स, एक्स क्या हमारा पाई बाई टू माइनस टी, तो साइन पाई बाई टू माइनस टी अपॉन कॉस एक्स की जगह आ जाएगा पाई बाई टू माइनस टी और टी टेंस टू ज़ीरो। अब पाई बाई टू माइनस टी उसका मीनिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हमारा ज़ीरो, ये पाई बाई टू, ये पाई, तो पाई बाई टू माइनस टी मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव है और पाई बाई टू है इसलिए हमारा साइन कॉस हो जाएगा और कॉस साइन हो जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू लिमिट ऑफ टी टेंस टू ज़ीरो वन माइनस साइन हमारा कॉस हो गया मतलब कॉस टी अपॉन साइन टी। अब इसमें हम एक्स बाय एक्स कर लेंगे, क्यों देखो क्यों, पहला तो हमको ये सॉरी टी बाई टी कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा टी अपॉन साइन टी वेयर टी टेंस टू ज़ीरो इंटू वन माइनस कॉस टी बाई टी। देखो हमारा दो फॉर्मूला बनेंगे, हमको पता है कि लिमिट ऑफ टी बाई साइन टी वेयर टी टेंस टू ज़ीरो इज इक्वल्स टू वन, रेसिप्रोकल ट्रू इसलिए तो ये हमारा वन हो जाएगा इंटू लिमिट ऑफ टी टेंस टू ज़ीरो वन माइनस कॉस टी बाई टी, हमने अभी सॉल्व किया क्या है उसकी वैल्यू लिमिट ऑफ वन माइनस कॉस एक्स बाई एक्स वेयर एक्स टेंस टू ज़ीरो इज ज़ीरो, तो ये हमारा हो जाएगा ज़ीरो। Therefore, which is equals to 1 into 0, which is equals to 0.
तो इस एग्जांपल का आंसर भी हमारा क्या है, जीरो। अब दो एग्जांपल हमारे होमवर्क में है, अब मैं आपको दो एग्जांपल होमवर्क में दे रहा हूँ, आप उसका सॉल्यूशन करके नीचे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर दे सकते हैं। पहला एग्जांपल है हमारा कि लिमिट ऑफ 10 to x अपॉन पाई बाई टू माइनस एक्स वेयर एक्स टेंस टू पाई बाई टू, ये हमारा पहला एग्जांपल होमवर्क का। और दूसरा एग्जांपल है हमारा लिमिट ऑफ कॉस 1 माइनस कॉस एम एक्स बाय 1 माइनस कॉस एन एक्स वेयर एक्स टेंस टू जीरो, ये दो एग्जांपल आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आप नीचे उसका कमेंट सेक्शन में उसका सॉल्यूशन ज़रूर बताएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू वेरी मच।